तुमको पुनश्च पचारुछे किए काली रात्रि रे यज्ञ सामग्री को नईरे फोपाड़ी जदि मत सत्य कौन जना न पड़ तेबे मु समस्त को दंडित करी लल नील अक्षय कह मत किए करी दुष्कर्म कहा पाखरे कौनसी उत्तर नहीं असंभव बहु दिन ये घटना घटी चलिए ए पर्यंत मुझे अणदेखा करूँ परंतु एवं आउ नुहे मु तुमको एक अंतिम सुजोग दौचे जी भी ये कार्य कर स्वयं आसी निज भूल स्वीकार करपे मुझे क्षमा करदेवि परंतु जदि मुरबी तेबे एभली भयानक दंड देवी जे से जीवन सारा स्मरण रखिबो जदि सत्य जानी मध्य तुम समस्ते चुप रही तेबे एबे जहा हबो तार उत्तरदायी तुम स्वयं हब प्रणाम गुरुदेव मारुति आसीगल दुष्ट पानर चिंतित लागू चंदी किछि कोटा अछि कि एको प्रहेलिका अछि जहा को समाधान करबा पई मते तमर सहायता आवश्यक मारुति आवश्यक गुरुदेव परंतु ई कोन सुमेरो बासिंग को टडा बलु आपनन को पई आउ शिष्यमन को पई किछि भेटी अछि जदि आपनन को आज्ञा होए तेबे मम सखामन को भीतर एको बांटी देबी अवश्य तापरे तमे मते आसी देखा करिबो जदि एहा सत्य तेबे मु मो स्वामी को प्राण रक्षा निमन्ते सर्वदा तत्पर कुहंतु राजमाता मते कोन करिबो को हबो आउ थरे भाबी नियम अंदोदरी कारण लंकेश एबे भी मु कहिथिबा मार्ग रे चालु छंती जहा तम दृष्टि रे अधर्मर मार्ग लंकेश जो मार्ग भी चलतु सी तांकर धर्म आउर पत्नी होता दृष्टि प्राण रक्षा करने मोर धर्म पत्नी धर्म पालन करने मुझे भी करी लंकेश को सुरक्षित रखापी एकमात्र उपाय अच्छी रावण अमृत पान अर्थात आमे राक्षस माने देवता बहुत अधिक शक्तिशाली अनेक थर तांकु युद्ध रे परास्त भी करि सारिछु किंतु तांकु बध करि पारु नाहु कारण देवता माने अमृत पान करिछंती आउ देवतांक षडयंत्र रु बंचिबा पई रावणंकु अमृत पान करैबाकु हबो अमृत तमकु रावणंकु अमृत पान करैबाकु हबो मंददरी जेमिति से सदा सर्वदा पई अमर हेजिबे मु किंतु राजमाता यह संभव किपरि संभव हब आवल तमरी द्वारा ही संभव हब मंददरी कारण तम पिता माया दानव ही यही रहस्य जानी जे अमृत को चंद्र लोक किभली भाव रे को प्रकार रे आउ कोठी सुरक्षित कर रखा जाई केवल तमरी पिता ही कही पारिबे जे अमृत को किभली भाव प्राप्त करा जाई पारिबो प्रभु ये को अमृत विषय रे कहउचंती राजमाता कइकेसी सेई अमृत जहा पई समुद्र मंथन करा जाईथिला परंतु से घटना को तो अनेक कल्प होई गलानी तारो वर्तमान रे कोन तात्पर्य समस्त देवता अमृत पान करी सारिबा परे मध्य किछि अमृत बाकी थिला तेनु जेबे ताकु सुरक्षित करा जिवार कथा उठिला तेबे चंद्र लोकर नाम चयन हला अर्थात एई बाकी अमृत को चंद्रलोक स्थापित करा जाई छी परंतु एते सहज नथिला नंदी कारण अमृतर सुरक्षा निमंते एक एभली विशेष व्यवस्था हबार थिला जेपरी कि कौनसी भी प्राणी ता पाखरे पहुंची पारिबनी सेई कालरे देवी मंददरींक पिता माया दानव ही एकमात्र एभली शिल्पकार थिले जेही कलारे पारंगम थिले
आउ से ही से विशेष सुरक्षा चक्रर निर्माण करथिले। एबे जाई मु बुझि परिली जे काही के राजमाता कइकेसी देवी मंदोदरी को एहा कहउछंती जे तमे अमृत धरि चली आसो, परंतु जदि एहा हेइ जाय तेबे अनर्थ हेइ जीव प्रभु। रावण को जदि अमृत प्राप्त हेइ जीव तेबे ताकू आउ रोकि परिबा अत्यंत असंभव हि पड़िबो। विचित्र समस्या ये मारुति, अचानक आश्रम वस्तु लुप्त होवाकु लागिला। केबे होम सामग्री तो केबे पूजार पुष्प आउ केबे मोर कठौ। अच्छा, ये वस्तु पई चिंता नहीं मोर, ये सब तो पुनश्च प्राप्त हो जीव। परंतु जो पुस्तक अछि, जो पांडुलिपि अछि, ताहा बहुमूल्य, से सब एभले लुप्त हो जीवा चिंतार विषय से मो पई अत्यंत उपयोगी। मोर वर्ष वर्ष तत्व रही मोर परिश्रम अछि, कठिन तपस्या अछि ता मध्यरे। मु बुझी पारु छी गुरुदेव, ए बहुमूल्य रचना सब लुप्त हे जीवा केवल आपन को पाई नु, हम समस्त को पाई दुर्भाग्यपूर्ण कथा हे। पारे सब रो अभाव रे हमर शिक्षा असंपूर्ण हे जीवा। मु सब छात्र को पचारी देखिले परंतु कोनसी समाधान बाहरिलानि, आउ ना से अपराधी सामना को आसिला। आपन को ए कथा रे पुला विश्वास अछि जे अपराधी गुरुकुल रा छात्र को बिचरे के बोली। हो मारुति, कारण बाहर रो कोनसी व्यक्ति को ए आश्रम रे प्रवेश करिवार अनुमति भी नाही। ये चोरी अथवा कहार सैतानी एहा मु बुझी परने, परंतु जदि यार समाधान जथा शीघ्र न बाहरिला तेबे मो क्रोधर सीमा रहिबनी मारुति, आउ मु एभले किछि करि बसिबि जे। नाही नाही गुरुदेव, तार आवश्यकता केबे पड़िबनी, आपण निश्चिंत रहंतु, मु करिबे अनुसंधान, मु धरिबे अपराधी को। मु भी यही चाहुचि बसछ, ए आश्रम रो छात्र तमर मित्र, तमे तांकरि सहित समय व्यतीत करुछ, तमो पई ए सब जानिबा कठिन होबनी। कठिन हो बस आज मु या निश्चित जानिबे गुरुदेव, मु आपन को वचन देउछि जे आज थारु ए आश्रम रो कोनोसी भी वस्तु लुप्त हब नै। मोर तमो उपरे पूरा विश्वास अछि मारुति, परंतु तमे आज ही फिरिछ, थकि जाइथिबो, विश्राम करिनियो। नाही गुरुदेव, आपण मते गोटे कार्य समर्पित छंती, ताको पूर्ण न करबा जाय मु केमिति विश्राम करि पालिबी। प्रथमे दोषी धरा पड़िबो, ता परे मु निश्चिंत होई विश्राम करिबी। अति उत्तम, मते आज्ञा दियंतु गुरुदेव। वस्तु लुप्त हो जीवा कारण दुष्टा मिल पड़े, पाठ्य सामग्री नहीं जीवारो कौन होता है पड़े, ये जीए के भी हो से पढ़ी बा पाई जाऊनी। हनुमान संपूर्ण उचित बा पूछो तमे मित्र कौन क्षमा करीब तम दिजाकर नाम मते मु नल आओ ये मो भ्राता नील नल नीला कोन कहथिला तमे आश्रम रे जे वस्तु लुप्त हेजी तारे विषय रे भाबु जाना तमे। आमी भी भाबु छु मित्र हनुमान। कोन भाबी छ जे गुरुदेव तमको ए कार्य समर्पण करे बहुत भलो कले, अर्थात तम दे जणन को ए विषय रे किछ ज्ञात तो नाही। आमी जो फल खाइलु से बहुत मीठा थिला, सेति पई तमको धन्यवाद दबको आसी छु। मुत कहू छी भ्राता, सब कहि दियो मारुती को। काहे कि भ्राता, आमे पढिबा को आसी छे ना ए सब करिबा को। कोन आला मित्र सेठी काहे कि कथा होछ, एठी के आसी कथा हो, जदि तमको किछि ज्ञात अछि तबे निर्भय बाबा रे कुआ,
सत्य को लुचाइबा उचित न। आमे एथिरे एकमत मित्र या पछरे केही अछि मित्र या पछले किए हेठाय बाले मित्र एमिति केही जने अछि जे जानिछि जे से शिक्षा ग्रहण करू बा न करू किंतु तापै राजसिंहासन सुरक्षित अछि अठाके राजकुमार तमे भी तो सुमेरु रो राजकुमार ना किभळी कथा कहचो भ्राता ए घटना तो हनुमान गुरुकुल आसीबा पूर्वरो ही होची ओ हां तेबे किए हेई पारिबो एमिति केही जे शिक्षा स्थान रे राजनीति करबा को चाहूची किए अछि जे एमिति भाबुची जे जदी अन्य माने न पढिबे आ मूर्ख हे रहिबे तेबे तांको निज सेवक करबा सहज होबो कारण अशिक्षित लोकंकु भ्रमित करबा सहज होइथाय परंतु एभळी चिंता कोनोसे बानर बालकर हेई पारिबोनी गोटे जाति अछि जे एमिते कार्य करूची से ऋषि मुनि को आश्रम को आसे सब नष्ट करि दियंती से माने तो होम को भी नष्ट करि दियंती किए से राक्षस अठाते पूरा योजना के राक्षस बाल कर पलंतु किए कुमार अक्षय अद्भुत मित्र अद्भुत एक कथा था हमें भाभी न थिलु सेती पाई मु कहि थिली ना जे हनुमान ने प्रहलिका को समाधान करिबे ठीक अच्छे राजमाता जदि मो स्वामी को जीवन मूल्य एया तेबे मु से मूल्य दबापे प्रस्तुत मु लंकेश पत्नी मंदोदरी निज स्वामी का रक्षा निमंते अमृत आने को अवश्य जी छाड़ मते मते खेल पसंद नुह आमे कोनोसी खेल खेलुनु तमे सत्य को स्वीकार कर कोन स्वीकार करबी मु जेबे मु किछि भूल करिनी त अंतिम सुजोग मिली छी ना नहीं जाओ अन्यथा हनुमान को गदा प्रहार स्मरण अछि ना आज तो बंची की जीवित जाई परिबनी बनरा तम दुही को मु छाड़ी बिनी नळा नीला बस मोरा खाली हाथ खोली दिया प्रचंड प्रहार रो चिन्ह तो थिबो ना आमर हृदय तो अत्यंत उदार मित्र अक्षय आमे तो चाहू जु जे तमो हाथ तो खोली दबु परंतु मारुति मानिबेनी काहे की बंदी करिछ मते मु कोन क्षति करिछ तमो हनुमान रो तमे तांकर किछि क्षति करि परिबनी परंतु आमो समस्तंकर तमो उपरे संदेह अछि आमको तो लागुछि जे तमे ही आश्रम रो सब वस्तु चोरी करू छ आ ताकु नै जई नई रे पकई दउ छ असत्य कथा ये मु से मिति किछि भी करिनी एबे किछि लाभ नहीं अक्षय सब प्रमाण सब तर्क तमो विरुद्ध रे अछि निज भूल स्वीकार कर गुरुदेव को पाखु को जाई क्षमा मागिनियो से तुमको किछि छोटो मोटो दंड दे छाड़ी देबे अन्यथा हम समस्त छात्रों को दंड मिलिबो जहां अनुचित मु जानि छी कहर षडयंत्र ये तमे से हनुमान सहित मिसी मते फसेबे को चाहौछ बस थरे खाली मैठु मुक्त हेई जाए ता परे कहबी तुमको तमे पोनी भूल करू छ अक्षय जानि छ गुरुदेव कोन कहंती जे भूल अपराध करिवरे नहि अपराध करी ताको स्वीकार न करी बारे थाए मु कोनसी भूल करिनी किछि भी अपराध करिनी करिन अपराध तथापि माननीय काहे के मानिबी जेमिति आउ कहा को यार दंड मिलिबनी बाबा अक्षय सब छात्रों को भितरे तमरे सम्मान केते ब
समस्त लगे तमे बचे महान बलिदान अपराधी नहीं भी अपराध को स्वीकार कर सब साधु कुमार अक्षय कुमार अक्षय बोली जय जयकार करिबे लंकेश पुत्र कुमार अक्षय कर जय लंकेश पुत्र कुमार अक्षय कर जय नहीं मु तम कथरे जम्मा भी पड़ी भी नहीं मुक्त कर मते नीला मारुति एको पीटी पीटी मार्गो को नहीं आसीबे तमे मारुति को काहे की प्रतीक्षा करी छ भ्राता आमे ही आर मति ठीक करी दबा परंतु भ्राता तमे ही आरंभ कर केवल हनुमान कथे तम दुही को क्षमा कर दूची परंतु पुनश्च एमती दुस्साहस कर मृत्यु सुनिश्चित स्मरण छिना मो पिता विधाता मु तमको वचन दौची जी गुरुकुल मर्यादार ध्यान रखी मु मन लगे शिक्षा प्राप्त करी हिंसा ठारू दूर रही आज सब बानर बालक मोर मित्र हे मुझे सहित मोर सहपाठी भली आचरण करी आग को केवे मो मार्ग आसबनी उद्देश्य मते सहायता करिबार थिला परंतु स्मरण रख तम मानक पाई ए अध्याय एति समाप्त हैला एबे तो जा करिबार अछि मो गलिबी काहे के ना गुरु देव ए कार्य मते दे छंती तम को नु माया दानव सम्मुख रे ठिया हे तुमे एभली कथा कहउच मंददरी मु बुझि पारु नहीं जे ये तुमर दुस्साहस ना तुमर मूर्खता तुमे एक कथा कि भली भाबी नेलो जे मु तुमको अमृतर ठिकाना कहि देबि ता पुनी राक्षस राज रावण को अमर करबा पाई से अधर्मी पापी रावण निमन्ते अमृत नुहे जदि तार हत्या पाई कोनोसी घातक विषर आवश्यकता हुए तबे कुह पिताश्री सी पछे चाहे भी थांतु किंतु से त मोर स्वामी ना आ मु मो स्वामी को पाई मो सिंदूर रक्षा अवश्य करी तुमको मोर पुत्री कहिबारे मु लज्जा अनुभव करुछी करुछी मु मो भाग्य को एक अधर्मी व्यभिचारी को निज स्वामी रूप से तुम्हें स्वीकार करिछ सेतिकि थाउ पिताश्री जहाँ कहिबार अछि मते कहुंतु मो स्वामी को नुहे कारण पत्नी धर्म अनुमति दिए ना जे सीता स्वामी को निंदा सुनिबो
परंतु मोर धर्म मते सत्य कहिबार अनुमति अवश्य देछि। मु आपनक ठारु एपरि निष्ठुर व्यवहार आशा करिनथिले पिताश्री। आज आपन मोर जे परिस्थिति पई मते तिरस्कार करुचंती, कोन आपन सेथि पई उत्तरदायी नहंती? जने पुत्री सामना रे निज पिता को रक्षा करबा पे केवल गुटी मार्ग थिबो, तेबे सी कोन करिवो? मु भी ताहा करिथिले पिताश्री। जदि मु लंकेशंकु निज स्वामी रूपे स्वीकार न करि थांती, तेबे से आपन को पथ करि थांती। ता तो ए परिस्थिति ठारु भलो हि थांता पुत्रे। मु मृत्यु को स्वीकार करि परिबे, परंतु तुमको रावणर पत्नी रूपरे देखिबा मो पई एक अभिशाप। जदि जने पुत्री रो जीवन निज माता पिता को पई बळी पड़ी जाए, तेबे ता गर्वर कथा। आपन को प्राण रक्षा निमन्ते मु त आकाश पातळ ए करि दे थांती, कारण सी मोर संतान धर्म थिला। सही भली आज मु मो स्वामी को रक्षा निमन्ते आपन को सामना रे भिक्षा मागुची, कारण एहा मोर पत्नी धर्म। जदि आपन मो मनर व्यथा को बुझी परि थांते, तेबे आपन निराश करि न थांते। किंतु ए बेद जदि लुप्त हो जाए ताले